गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आपका यूपीएससी मेंस के इस जीएस पेपर नंबर थ्री के पॉइंट नंबर वन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं जनरल स्टडी पेपर थ्री के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, उसको हम लोग बिल्कुल एक एक टू द पॉइंट करने की कोशिश करेंगे और एक भी पॉइंट इसमें से मिस नहीं होगा। प्लस इसकी पीडीएफ, आप लोग पीडीएफ की बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी जैसा कि बता रखा है कि जब मेरा एक पॉइंट पूरा हो जाएगा तो मैं सबकी एक साथ कंपाइल करके पीडीएफ आपको सक्सेस मंच पेज और टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसका पहला पॉइंट है भारत में आर्थिक नियोजन उद्देश्य उपलब्धियाँ, प्लस में इसमें नीति आयोग की योजनाएं या नीति आयोग का गठन, जो भी इसमें पॉइंट दिया, अगर ये दोनों टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी पीडीएफ कंबाइंड करके दोनों टॉपिक की आपको सक्सेस मंच पेज और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप पीडीएफ के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। जितने भी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही हैं, जितने भी हिस्टोरिकल मूवमेंट है, जैसे कि आज के डेट में क्या हिस्ट्री में नया हुआ, इसकी सीरीज चल रही हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 जितनी भी सीरीज चल रही हैं, सबकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और सक्सेस वन पेज, जिसका लिंक बार बार कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। तो आप वहाँ से सब कुछ ले सकते हैं और सब कुछ आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो इसके लिए पेज को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलेंगे। जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे आपको वो पीडीएफ नहीं मिलेगा। और सक्सेस मंच का फेसबुक पेज भी है और प्लस सक्सेस मंच फेसबुक ग्रुप भी है, तो ग्रुप भी ज्वाइन करेंगे तो आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए जनरल स्टडी पेपर नंबर थ्री शुरू करते हैं, क्योंकि अब मेंस क्रैक करने की बारी है और ऐसे हम लोग करेंगे साथ में रह के तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप सिलेबस में जैसे देख सकते होंगे कि आर्थिक नियोजन भारत में क्या है, इसके उद्देश्य और उपलब्धियाँ। तो सिर्फ इतना ही नहीं करना है, हमें काफ़ी डिटेल में इसमें करना है, क्योंकि सिलेबस में बहुत छोटा सा दे दिया होता है और एग्ज़ाम में बहुत कुछ भी पूछ लेते हैं आर्थिक नियोजन से संबंध। तो सबसे पहले आर्थिक नियोजन जो एक शब्द दिया है तो हम उसको पकड़ेंगे और आर्थिक नियोजन की जो डेफिनेशन है उसके बारे में देखेंगे कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। फिर इसके साथ साथ जो भी जुड़े टर्म्स हैं, नियोजन का उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, इसकी उपलब्धियाँ क्या है, इसमें कठिनाइयाँ क्या हैं, इसके सुझाव क्या हो सकते हैं, फिर आर्थिक नियोजन भारत जब आज़ाद हुआ तब कैसे किया गया, जैसे कि योजना आयोग का गठन किया गया, फिर उसमें कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में सारी हमें डिटेल देनी है, जब तक कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर एक एक टॉपिक, यहाँ देखने में बहुत छोटी सी टर्म लग रही है बट करना हमें यहाँ प्रॉपर है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है और हमें हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट यहाँ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको अच्छे से पॉइंटर दूंगी और आप उसे अपने एग्जाम में एलेबोरेट करेंगे अपने शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्थिक नियोजन क्या होता है। तो नियोजन का मतलब, जैसे कि आप पहले से पता लगे, कोई चीज़ की प्लान करना, और प्लान करना मतलब आर्थिक माने इकोनॉमिक। हम किसी भी चीज़ की अगर इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, आर्थिक रूप से प्लानिंग करते हैं, तो उसे कहा जाता है आर्थिक नियोजन। अब हम इसे भारत के संदर्भ में देखेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नियोजन का अर्थ होता है पहले से आयोजन करना, मतलब पहले से किसी चीज़ की प्लानिंग करना, तो उसे नियोजन यहाँ पर कहा जाता है। तो अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसी वेगपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी न्यायपूर्ण आर्थिक विकास, अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। मतलब कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास कर सकें और जो समाज है, जितना भी हमारा समाज है, चाहे उसमें कोई भी वर्ग आता हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो सके, ऐसी प्लानिंग करना आगे आने वाले सालों के लिए, उसे हम कहते हैं आर्थिक नियोजन। और एक नॉर्मल डेफिनेशन की हम बात करें तो आर्थिक नियोजन से आशय पूर्व निर्धारित और निश्चित सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अर्थव्यवस्था के सभी अंगों को एकीकृत और समन्वित करते हुए राष्ट्र के संसाधनों के संबंध में सोच विचार कर रूपरेखा तैयार करने और केंद्रीय नियंत्रण से है। मतलब कि सिंपल सा इस लैंग्वेज को थोड़ा सा कि, लेकिन एग्जाम में तो हमें ऐसे ही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, थोड़ा सा हम लोग अपने शब्दों में लिखेंगे बट थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी कि हम इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक से रिलेटेड शब्द वहाँ आने बहुत ज़रूरी होते हैं।
तो इसमें हम लिख सकते हैं कि पहले से अगर हमारे कुछ लक्ष्य निर्धारित हैं और सामाजिक और आर्थिक हमें उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, तो जितने भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उसको एकीकृत करें, उसे समन्वित करें और उसको उन संसाधनों को आगे आने वाले सालों के लिए सोच समझ कर विचार करके उस रूपरेखा को तैयार करें और उसको एक नियंत्रण में रख के तैयार करें। ऐसे नहीं कि कोई भी उसको यूज करे, तो इसको ही कहा जाता है आर्थिक नियोजन। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। आर्थिक नियोजन में हम लोग देखेंगे इसमें कि आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों पड़ी। जब भारत आजाद हुआ, आजादी से पहले भी नियोजन होता था पर प्रॉपर वे में नहीं होता था। ब्रिटिश अपने हितों के लिए आयोजन वो नियोजन करते थे, जो भी आर्थिक रूप से करते थे। बट जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उसके बाद आर्थिक नियोजन की जरूरत पड़ी। जैसे कि आर्थिक नियोजन के लिए 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है आर्थिक नियोजन की, तो धन जितना भी हमारे भारत में है, हम सिर्फ यहाँ भारत के कंटेक्स्ट की बात करेंगे, तो धन जितना भी है उसको हर एक वर्ग तक पहुँचाने के लिए, पहला पॉइंट इसमें आत्मनिर्भरता के लिए। भारत जो है वो हर एक फील्ड में अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो, किसी से आयात और निर्यात के लिए बिल्कुल भी वो ना हो कि अगर उसने हमें ये माल नहीं दिया तो हमारा कैसे चलेगा। तो इस टाइप से जैसे कृषि में आत्मनिर्भरता, उद्योग में आत्मनिर्भरता, इंडस्ट्री में आत्मनिर्भरता, यहाँ इसके लिए आवश्यक होता है आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट है आर्थिक संसाधनों का उचित प्रयोग के लिए, क्योंकि संसाधन अलग अलग जगह कई जगह बटे हुए हैं, तो इसका कैसे समन्वित रूप से उचित रूप से प्रयोग किया जा सकता है उसके लिए हमें नियोजन करना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं तो उसको प्लानिंग के साथ अगर हम खर्च नहीं करेंगे, आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपके महीने का अगर आपके पास सैलरी ही 10,000 रुपए है, तो अगर आप नियोजन से नहीं चलोगे कि सैलरी को कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करना है, तो आप महीने के एंड तक आते आते खाने को भी नहीं मिलेगा आपको, अगर आपने प्लानिंग नहीं की कि प्रॉपर तरीके से कैसे करना है। तो संसाधन जितने हैं उसका उचित उपयोग करने के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए, मतलब कि अगर जितने हमें संसाधन मिले हैं उसी को अगर हम सही जगह प्लेसमेंट करते हैं तो इससे हमारी आय बढ़ेगी, और अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय ऑटोमेटिकली यहाँ बढ़ जाएगी। तो ये चार मेन पॉइंट्स हैं जिसके लिए हम लिख सकते हैं कि आर्थिक नियोजन की हमें आवश्यकता इन कारणों से पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत में आर्थिक नियोजन का महत्व क्या है, मतलब कि भारत में आर्थिक नियोजन हम क्यों करें, क्यों जरूरी है, यहाँ पे क्या करता है आर्थिक नियोजन। तो आप ये कोटेशन डाल देंगे अगर अपने जब इंट्रो पार्ट लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। प्लस ये जो मैं करा रही हूँ ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये कोटेशन किसने दिया है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे ये प्री के लिए भी लर्न कर सकते हैं। तो टी कृष्णामाचारी ने कहा है कि आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का वही महत्व है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वर का है। तो ये कोटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिए इंट्रो में देने के लिए, बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसका महत्व क्यों है। तो सेम आवश्यकता महत्व ऑलमोस्ट सेम होता है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क होता है। तो वो लैंग्वेज आप यहाँ पे मैं इसलिए दे रखा है कि आप उस लैंग्वेज को समझें और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। तो इसमें पहला है कि उपलब्ध सीमित संसाधनों का यहाँ सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है, इसके कारण यहाँ पर आर्थिक नियोजन जरूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा योजनाबद्ध आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध हो जाती है। स्वतंत्रता से पूर्व युद्धकालिक जर्जर रहित अर्थव्यवस्था जो हमारे भारत की थी उसका स्वतंत्रता के पश्चात पुनरुत्थान संभव हुआ है आर्थिक नियोजन के ही कारण। आर्थिक नियोजन के द्वारा आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक नियोजन के द्वारा पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होगी, विनियोग में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाला जा सकता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मैंने यह कंबाइंड करके दे दिया है। भारत में बेरोजगारी और अर्थ बेरोजगारी की व्यापक जो समस्या विद्यमान है वो आर्थिक नियोजन के द्वारा ही समाधान की जा सकती है। नियोजन आर्थिक और सामाजिक आधारित संरचना जो होती है वो है सड़क, रेल, बिजली घर, शिक्षा, चिकित्सालय संस्थान आदि।
का निर्माण जो निजी विनियोग को प्रोत्साहित करता है, इसमें सहायता करता है, मतलब कि सामाजिक आधारित संरचना को बढ़ावा देने में ये आर्थिक नियोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और नेक्स्ट इसमें बात करेंगे नियोजन द्वारा तकनीक में परिवर्तन की गति को तीव्र किया जा सकता है, नई नई टेक्निक यूज की जा सकती है नियोजन के द्वारा, तो ये महत्व यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या लक्ष्य, किस लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है आर्थिक नियोजन के द्वारा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालिक वृद्धि की जा सकती है आर्थिक नियोजन द्वारा, निर्धनता के दुष्चक्र की समाप्ति की जा सकती है, देश को इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है, आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का उचित प्रकार से दोहन किया जा सकता है, जितने भी हमारे पास संसाधन है उसका प्रॉपर वे में कैसे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है वो आर्थिक नियोजन द्वारा ही संभव है, देश की योजनाबद्ध एवं संतुलित आर्थिक विकास किया जा सकता है देश का, देश में रोजगार के अवसरों का विस्तार किया जा सकता है, रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक आधारित संरचना का भी निर्माण यहाँ किया जा सकता है, शिक्षा प्रशिक्षण और तकनीकी के उच्च स्तर की प्राप्ति हो सकती है आर्थिक नियोजन के द्वारा, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन किया जा सकता है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि प्रत्येक राज्य का एक कर्तव्य होता है कि हाँ हमें इसी नीतियों का प्रयोग करना चाहिए, तो उसका भी आर्थिक नियोजन द्वारा ही प्रॉपर क्रियान्वयन किया जा सकता है, और समाजवादी ढंग से लोकतांत्रिक समाज की यहाँ स्थापना की जा सकती है आर्थिक नियोजन द्वारा, क्योंकि प्रति व्यक्ति अगर एक समान वितरण होगा आय का तो उस हिसाब से एक लोकतांत्रिक समाज की भी यहाँ स्थापना, जो कि हमारे संविधान बनाने वाले थे, संविधान कर्ता थे, उन्होंने एक सपना देखा था कि एक समान वर्ग का समाज हो, तो उसकी स्थापना भी यहाँ की जा सकती है आर्थिक नियोजन के द्वारा। चलिए देखते हैं आर्थिक नियोजन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या एक मेन इंटीग्रेंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं जो आर्थिक नियोजन को बनाने में जरूरी होते हैं, आर्थिक नियोजन में अंडर इंक्लूड होते हैं, ये आप क्या लिखेंगे। तो आर्थिक नियोजन को बनाने के लिए एक निश्चित उद्देश्य होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, हमें पता ही नहीं होगा कि आगे हमें 5 सालों में 10 सालों में या 2 सालों में क्या करना है, तो इसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा कि आर्थिक नियोजन करना है। केंद्रीय नियोजन सत्ता, एक पर्टिकुलर सत्ता होनी चाहिए जो ये नियोजन करे, कोई भी नियोजन नहीं कर सकता है, अगर किसी सबके हाथ में नियोजन का दे दिया जाएगा कि आप भी नियोजन करो तो ये बिखर के रह जाएगी पूरी नियोजन की प्रक्रिया। संपूर्ण नियोजन प्रॉपर हर एक फील्ड को लेना चाहिए, चाहे वो शिक्षा को हो, चाहे उद्योग का हो, चाहे कृषि का हो, चाहे आधारित संरचना का हो, हर एक फील्ड में नियोजन करना आवश्यक होता है। इसमें साधनों का विवेकपूर्ण विभाजन, साधनों को पर्टिकुलर हर एक फील्ड में विभाजित करना बहुत आवश्यक होता है, चाहे वो पिछड़े हुए राज्य हों, चाहे वो डेवलप्ड राज्य हों, कोई भी सबका हर एक में इक्वल विभाजन करना जरूरी है। नियोजन उत्पादन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, उसका वितरण भी होना चाहिए, उसको जहाँ तक जरूरी लोगों तक पहुँच भी उसकी संभव होनी चाहिए। नियंत्रण आवश्यक होना चाहिए कि नियोजन पर एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर खाका बनाया जाना चाहिए कि आपको ये करना है, मतलब एक प्रॉपर कंट्रोल जरूर होना चाहिए आर्थिक नियोजन में। जन सहयोग की आवश्यकता, बिना अगर लोग इसमें इंक्लूड ही नहीं होंगे तो नियोजन का कोई यहाँ पे औचित्य ही नहीं रह जाएगा, तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से लेकर पूरे जन समुदाय को यहाँ नियोजन बनाने में आवश्यक भूमिका निभानी पड़ेगी। और एक दीर्घकालीन प्रक्रिया, नियोजन जो होता है एक प्रॉपर छोटे वे में भी बनाया जा सकता है और बड़े वे में, बट अगर हम आर्थिक नियोजन की बात करें और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपने देखा होगा पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, तो एक दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है कि 2 दिन में कोई भी प्रोग्रेस नहीं प्राप्त की जा सकती, एक लंबा टाइम लगता है किसी भी प्रोग्रेस को प्राप्त करने के लिए। तो ये मेन जो पॉइंट्स थे वो थे आर्थिक नियोजन की विशेषताओं के अंतर्गत। चलिए आगे बात करते हैं आर्थिक नियोजन में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं जब हम बनाने चलते हैं आर्थिक नियोजन। जब भारत ने शुरुआत की थी स्वतंत्रता के बाद योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाने की, आर्थिक नियोजन करने की, तो क्या क्या उनके मार्ग में प्रॉब्लम्स आई थी इसके बारे में बात करते हैं। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में की वृद्धि गति धीमी हो गई थी, मतलब कि जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे तो आय में ऑब्वियसली कमी आती जाएगी।
मूल्यों में तीव्र निरंतर वृद्धि से योजनाओं की लागत बढ़ गई। मतलब कि जैसे जैसे मूल्य बढ़े, क्योंकि कभी खाड़ी युद्ध होने लगा, कभी चीन से युद्ध हुआ, कभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ, तो ऐसे में मूल्य वृद्धि बहुत ज़्यादा होने लगी। तो इसके कारण जो भी योजनाएं बनाने जगी लगी तो उसमें लागत भी बढ़ने लगी, उसमें खर्चा ज़्यादा बढ़ने लगा। सार्वजनिक उपक्रमों का निष्पादन घटिया और अकुशल, मतलब कि जो भी सरकार हमें योजना वो देती थी, उपक्रम होते थे उनके, उनका निष्पादन उस समय से और आज तक भी बहुत ही प्रॉपर वे में नहीं चलता, सुचारू रूप से नहीं होता। श्रम शक्ति में वृद्धि के अनुपात में रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं। श्रम शक्ति में वृद्धि, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो श्रम भी बढ़ेगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा मैन पावर होगी, बट हमारे पर रोजगार उतने ही लिमिटेड है, सीमित है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं बढ़ रही है, हमारे आगे जो टेक्निक्स हैं वो नहीं बढ़ रही है, तो रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ेंगे। आर्थिक विषमताओं की बढ़ती खाई ने सामाजिक न्याय के लक्ष्य अपूर्ण कर दिए। मतलब कि गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया, तो ये सामाजिक न्याय, मतलब कि प्रॉपर सबको इक्वल वे में उचित आय मिले, तो वो लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता, इस कारण आर्थिक नियोजन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, सरकार की नियंत्रण नीति दोषपूर्ण ही नहीं अपितु एकांगी हो गई। मतलब कि वो अपने हित के लिए सोचने लगी, सरकार की जो नीतियां हैं अगर वो अपने हित के लिए सोचेगी तो फिर उसके जो आर्थिक नियोजन की नीति है वो दोषपूर्ण हो जाएगी, प्रॉपर वे में सब तक लाभ नहीं पहुंच पाएगा, अगर सिर्फ वो अपने सरकार के बारे में यहाँ सोचेगी तो। हाँ चलिए, आर्थिक नियोजन को सफल बनाने के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और उनके मूल्य पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। मैं नॉर्मल प्रॉपर में, क्योंकि बहुत ही इजी पॉइंट है, तो इसमें पॉइंट्स काफी इजी हैं, तो आप इस लोग इसे सिर्फ पढ़ के लर्न करके इसे अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। मैं एक बार इसे गो थ्रू कर देती हूँ ताकि आप लोग इसे समझ सके क्या है ये। शिक्षा प्रणाली को कार्यप्रक बनाया जाना चाहिए। यहाँ पर आर्थिक नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने का प्रयास सरकार को किया जाना चाहिए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों में उचित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। गांव में गैर कृषि क्षेत्रों जैसे दुग्ध उद्योग, मुर्गी पालन या कुटीर उद्योग जो होते हैं उनका भी विकास यहाँ प्रॉपर वे में किया जाना चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच उचित संबंध स्थापित किए जाना चाहिए, जिससे कि संपूर्ण राष्ट्र के समन्वित आर्थिक विकास को यहाँ पर गति दी जा सके। योजनाओं का निर्माण साधनों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। प्रशासकीय व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाना चाहिए, प्रॉपर वे में उनको निगरानी रखी जानी चाहिए कि हमारा जो भी हमने नियोजन किया है वो सफल हो रहा है या नहीं हो रहा। वित्त प्रधान योजनाओं के साथ साथ भौतिक योजनाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, इंडस्ट्री में आगे ग्रोथ हो रही है कि नहीं, इन सब चीज़ों पर भी साथ के साथ हमें ध्यान देना चाहिए। आर्थिक का मतलब सिर्फ वित्त ही नहीं, बाकी चीज़ों को भी ध्यान देना ज़रूरी है यहाँ पर। तो हमने बात की यहाँ पे आर्थिक नियोजन से रिलेटेड, उसकी आवश्यकता क्यों होती है, उसके महत्व क्यों है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी राह में आने वाली कठिनाइयाँ क्या हैं और उसके लिए सुझाव क्या क्या हैं। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे योजना आयोग के बारे में, क्योंकि आर्थिक नियोजन से संबंधित सबसे पहली जो संस्था बनी थी वो बनी थी योजना आयोग। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, पंचवर्षीय योजनाएं जो 12 चल चुकी हैं उसके बारे में छोटे छोटे फैक्ट देखें, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनमें से। अब उसके बाद थर्ड क्लास में हम नीति आयोग के बारे में करेंगे। तो अगर ये तीन क्लासेस में हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि आप सिलेबस थोड़ा धीरे कराती, ये सब जो PPTs बनाने में ज़्यादा मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं आप तक पूरा प्रॉपर कंटेंट देना चाहती हूँ, एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए इसमें, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। बट डोंट वरी, मैं आगे के लिए पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को टाइम से हर चीज़ मिलती रहे। तो नेक्स्ट हम GS पेपर 4 के बारे में बात करेंगे। आज हमने पेपर 3 के बारे में प्रॉपर ये देखा। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंचनी चाहिए, तभी आपके नॉलेज में भी बढ़ोतरी होगी। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।